जो TVS कंपनी है ना, तो उनके भी तरफ से हाल ही में कुछ ऐसा न्यू एक कमाल कर दिया गया है जो कि सच में ही बहुत ही ज्यादा गजब का है। और मैं ऐसा भी क्यों बोलूं, क्योंकि ये जो इतने दिनों से आप लोग TVS Apache RR310 जिसको भी आप लोग देख ही रहे थे, तो वो वाले बाइक का ही अभी एक रेसिंग सीरीज लॉन्च कर दिया गया है। और ये वाला जो चीज है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक के ही अंदर मतलब ये जो है अभी के डेट में तो वो यूज किया जाने वाला है। और इसी बाइक के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा ना, तो वो है 46 BHP। और आगे वीडियो को पूरा देखते रहो, इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू बाइक के ही बारे में जानने वाले हैं कि इसके अंदर अभी क्या कुछ आपको न्यू देखने को मिलेगा TVS कंपनी की तरफ से दिया हुआ। और ये जो बाइक है ये सच में ही बहुत ही ज्यादा गजब का है, 312 cc इंजन के ही साथ साथ इतना सारा पावर के साथ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हाल ही में अभी एक ऐसा न्यू काम कर दिया गया है TVS कंपनी की तरफ से। और ये वाला जो काम है ना, तो ये उनके ही जो Apache RR310 है, तो उसके ही अंदर ये किया गया है। और ये वाला जो काम है, ये करने के बाद आपके डेट का जो Apache RR310 है, जो कि मतलब ये जो बाइक है इसको अभी आप लोग खरीद नहीं सकते होंगे, क्योंकि ये वाला बाइक अभी सिर्फ और सिर्फ रेसिंग ट्रैक के लिए बनाया गया है। तो इस वाले बाइक के अंदर मतलब जो वीडियो के अंदर अभी देख ही रहे होंगे, तो इस वाले बाइक के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कुछ पावर्स देखने को मिलेंगे। तो इसी से ये वाला जो बाइक है ना, तो ये अभी 310 cc कैटेगरी के अंदर बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल वाला बाइक बन चुका है। और ये वाला जो बाइक है, ये अभी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 46 BHP, जो कि KTM RC390 के मुकाबले काफी ज्यादा है। मतलब कि ये जो KTM RC390 है, जो कि 400 cc वाला कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसी बाइक के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलता है अभी के डेट में, तो वो है 43 BHP के आसपास के जगह पर। लेकिन ये वाला जो बाइक है ना, ये 310 cc कैटेगरी के अंदर 46 BHP प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कमाल का है। और बाकी इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलता है ना, तो वो एक मतलब पहले की तरह ही सिंगल सिलेंडर वाला इंजन, लेकिन लिक्विड कूल कम ऑयल कूल वाला एक टेक्नोलॉजी वाला बेस्ड अभी के इंजन है ये वाला। तो इसके ही साथ इसी बाइक के अंदर आपको एक ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको एक न्यू रेसिंग ECU देखने को मिलेगा, जो कि इस वाले बाइक के अंदर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पार्ट है, तो उसको कंट्रोल करेगा। और इसके अलावा सिंपल सा फैशन में आपको मैं बता दूं कि इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन वाला पार्ट देखने को मिलेगा ना, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी वाला चीजें यूज किया गया है, जिसके मदद से ये वाला जो बाइक है, ये अभी इतना ज्यादा कुछ पावर प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल के तौर पर ये मान लो कि इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है टाइटेनियम बेल्ट वाला सिस्टम, और उसके ही साथ और भी कई सारे कुछ चीजें, मतलब की प्रीमियम वाला चीजें। और इस वाले बाइक के अंदर आपको 6-speed गियर बॉक्स के साथ साथ और भी कई सारे कुछ चीजें देखने को मिल जाएगा, जो कि है क्लोज लूप कंट्रोल, और उसके साथ क्विक शिफ्टर, और उसके साथ लॉन्च कंट्रोल, और उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल वाला चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले बाइक के अंदर। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको जो बॉडी वर्क देखने को मिलेगा ना इस वाले बाइक का, तो वो मतलब कई कई जगह पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा राम एयर इनटेक। और बाकी इसी बाइक के अंदर आपको जो देख ही सकते होंगे डिस्प्ले के साथ ABS का भी फीचर देखने को मिल ही जाता है इसी वाले बाइक के अंदर। और उसके साथ सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और उसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको और भी कई सारा कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये जो बाइक है ना, तो इसका वेट जो रखा गया है, तो वो है 118 kg, जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।